जॉब से सीधा निकल चुके हैं खाते पीते सरोज में। हाँ भाई मेरे को तो वॉमिटिंग आ गई थी इसलिए मैं ले रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक नहीं था, पेपर चलने लग गया है, टोकन लगता था मुझे तो। पर पता है एक चीज है इसमें कि ये कभी कभी इंसान हाथ में रखेगा बातों बातों में इसे गोल गोल घुमा के फेंक देगा मेरे जैसा इंसान। तो भाई एक मेट्रो अब तक निकल चुकी है अपने हाथ से, अब दूसरी मेट्रो में जाएंगे क्योंकि जो मेट्रो थी ना बहुत ज्यादा रश था इसमें। तो हम जा रहे हैं आगे कॉर्नर में जहाँ पे गर्ल्स वालों का होता है क्योंकि गर्ल्स में सीट इजीली मिल जाती है। तो गाइस अब हम वेट कर रहे हैं आरवी का क्योंकि आरवी अब जा रही है जॉब में। तो अब मैं और कुन्नू कर रहे हैं हम दोनों उसका वेट यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम सरोज निकलेंगे। भाई बालों के हालात मेरे बाल हमेशा पता नहीं क्यों खड़े हो जाते। तो भाई कुन्नू तो आ गया है जोर का प्रेशर और वो हम देख कर रहे हैं आरवी का कि जब आरवी आएगी तब हम वहाँ जाएंगे। आ गई है आरवी। तो फाइनली गाइस आरवी भी जॉब करने लग गई है, अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है आरवी। आरवी पहले से आरवी हमारा वेट करती थी जब हम जॉब से आते थे, और हमने आज आरवी का वेट किया कि आरवी जब जॉब से आएगी फिर उसके बाद हम चलेंगे सरोजनी। भाई यहाँ से पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। तो भाई सरोजनी को जाती है पिंक लाइन, मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो से जा रही हूँ सरोजनी के लिए पब्लिक। हम पहुंच गए हैं सरोजनी मेट्रो स्टेशन। सीन ऐसा है कि हमारे घर का वॉशरूम हो चुका है खराब, मतलब कि पॉट हो चुकी है खराब, तो वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगी। तो आज सबको कुन्नू को लग चुका है भाई खतरनाक, ये मानने को तैयार नहीं है कि सरोजनी का एग्जिट यहीं से है। पूछ पूछ के हम पहुंच गए हैं भाई। चलो मैं से निकल जाऊंगी मेरे को डर लग रही थी खटाक करके बंद ना हो। अच्छा है कि मैंने इसको कूड़े में ऐसे करके फेंक नहीं दिया वरना मैं वहीं रह जाती। तो सबसे पहले जाएंगे हम वॉशरूम, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर करेंगे शॉपिंग। तो जी आ गए हैं हम बाहर सरोजनी से। भाई मेरे को तो खाली खाली लग रहा है, पता चला पूरी दुकान ही बंद हो गई। तो भाई विंटर के टाइम में गर्मा गर्म भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया। देख लो इसको प्रेशर आ रहा है पर इसको भुट्टा भी खाना है भाई। सरोजनी आके सबसे पहले हम भुट्टा ही खाते हैं। सरोजनी मार्केट भाई अभी भी रश है बहुत ज्यादा यहाँ पे। इतना घूम के एक चीज अच्छी लगी है यहाँ पे, पिंक जैकेट क्रॉप वाली। तो भाई अब सरोजनी पूरा खाली हो चुका है और हमको कुछ नहीं मिला। आरवी के लिए एक बैग ले लिया है और आरवी देख रही है अपने लिए कुछ हाई ने किया फुल स्लीव के स्वेटर्स। खाली हो चुका है। सॉफ्टी बड़ी टेस्टी होती है यार, और वैसे भी इतना ठंडा और ये सॉफ्टी ना खाए तो ऐसा हो सकता है। मैं तो बूट लेने गई थी, मैंने प्राइस नहीं देखा। जा रहे हैं हम घर का खाना लेने क्योंकि अब खाना तो बना नहीं पाएंगे, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब यहाँ से लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आए थे ना हमने यहीं से खाया था। आपने ब्लॉग में नहीं देखा है तो जाके देखो। तो अभी भी यहीं से पैक कराएंगे हम। कहीं पे भी जाए शॉपिंग करने घर का सामान लेते ही लेते हैं। मैंने इतना सामान ले लिया, कुन्नू ने ये ले लिया है, हमने सरोजनी से कुछ नहीं लिया, आरवी ने लेना था और आरवी जा रही है अब अपने घर को। बाय बाय। और हम जा रहे हैं भाई अपने घर को और देख सकते हो भाई पूरा सुनसान एरिया, पूरी गली सब बंद हो रखी है।